मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट का इकोनॉमिक्स का नोट प्रोवाइड किया था और बोला था लाइन लाइन से पढ़ने के लिए। मुझे आशा है सभी बच्चों ने इसको लाइन लाइन पढ़ा होगा और अपने फेलो में राइट डाउन किया। तो सबसे पहले आता है मनी एंड क्रेडिट। तो मनी होता क्या है? पैसा। सबके मन में आता है पैसा। तो आज के जमाने में पैसा में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गए मनी, जैसे क्वाइंस हो गए, बैंक नोट्स हो गए, प्लास्टिक मनी भी आ रहा है, प्लास्टिक मनी। आज के जमाने में प्लास्टिक मनी, ई मनी, ये सब भी हमारे डे टू डे लाइफ में आज के जमाने में आने लगे हैं। प्लास्टिक मनी में आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह आए हैं। ई मनी जो भी हम लोग पेमेंट अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या मोबाइल बैंक या UPI से करते हैं, उसको क्या होते हैं? ई मनी। क्या होते हैं? ई मनी। तो मनी आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को एक्सचेंज या किसी भी चीज़ को बाय या सेल करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी। पुराने जमाने में था वाटर सिस्टम। क्या था? वाटर सिस्टम। जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उस समय क्या था? किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज के बदले हमें उसको कुछ थिंग्स या कुछ ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज करना होता था। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक कोबलर है और एक फार्मर है। कोबलर को जरूरत है ग्रेन यानी कि फूड की जरूरत है। बट कोबलर जाएगा और उसको बोलेगा फार्मर को कि तुम चप्पल ले लो, आइए मुझे ग्रेन दे दो। तो बट फार्मर उसी समय फार्मर के पास चप्पल है, उसको जरूरत है कपड़े की, तो फार्मर एक्सचेंज करेगा? नहीं करेगा। तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि फार्मर को तो चप्पल की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके पास चप्पल पहले से है, तो उसको कपड़े की जरूरत है। तो वो अपना ग्रेन एक्सचेंज करेगा कोबलर से? नहीं करेगा। बट कोबलर को तो उस समय जरूरत है ग्रेन को, क्योंकि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। तो वो बोला कि चप्पल लेकर हमें ग्रेन दे दें। तो ये प्रॉब्लम आने लगी वाटर सिस्टम में। इसी कारण से वाटर सिस्टम को हटाया गया और नया सिस्टम लाया गया। पुराने जमाने में क्या था? एक चीज़ के बदला दूसरी चीज़ दूसरे का तभी हम लोग एक्सचेंज करेंगे। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? एक ऑब्जेक्ट के बदले दूसरे के दूसरा ऑब्जेक्ट देना। इसमें ये प्रॉब्लम था, वो सही है। एक से एक्सचेंज के साथ दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, एक आइटम पेन के साथ पेंसिल को एक्सचेंज करना। पर इसमें प्रॉब्लम ये था कि वो डिमांड और नीड के अनुसार एक्सचेंज होता था। अगर मेरे को नहीं चाहिए चप्पल तो हम एक्सचेंज करेंगे, आपको नहीं करेंगे। बट कोबलर को अगर फूड चाहिए तो किसी उसके पास जाएगा, इसको डिमांड होगा चप्पल का। तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा था कि अब हमें नीड और डिमांड होनी चाहिए, तभी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। दोनों के पास दोनों को जरूरत हो, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी की जरूरत हो, तभी एक्सचेंज संभव हो सकता है। बाई से संभव हो सकता था वाटर सिस्टम में। तो डबल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हमारे वाटर सिस्टम में। यानी कि जब कोई भी चीज़ एक्सचेंज करना हो, कोई चीज़ खरीदना हो या बेचना हो, तो दोनों की जरूरत हो। अगर उसके पास ग्रेन है तो मेरे पास ग्रेन की जरूरत हो, तभी हम ग्रेन एक्सचेंज करेंगे उसके कम्युनिटी से। तो इसलिए ये डबल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम होने लगा कि हम वैसे आदमी को खोजना पड़ेगा जिसको जरूरत हो, हमारे हाई कम्युनिटी की जरूरत उसके पास हो, उसकी कम्युनिटी की हमें जरूरत हो, तभी हम उससे एक्सचेंज करेंगे। यानी कि सेम इंटरेस्ट वाले पर्सन को खोजना। ये डबल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने लगा था वाटर सिस्टम, जिसके लिए इसको इन्हेंस किया गया। उसके बाद हमारे यहाँ आने लगा कि सिल्वर कॉइन भी चला, गोल्ड कॉइन भी चला, आयरन कॉइन भी चला। तो ये सब भी चलने लगा, बड़ी फिर भी चलन में आया। फिर इसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि ये काफ़ी महंगा था, प्रीशियस आइटम था, प्रीशियस मेटल। सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड हो गया, ये सब क्या आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, क्योंकि ये बहुत कम पाया जाता है इंडिया में। यानी कि प्रीशियस मेटल है। क्या है? प्रीशियस मेटल। तो इसको बंद कर दिया गया और मनी आया। मनी क्यों आया? क्योंकि वाटर सिस्टम में ये प्रॉब्लम तो था ही कि हमें दोनों की नीड अगर सही है, दोनों की डिमांड है और नीड है, तभी एक्सचेंज कर सकते। दूसरा, किसी भी कॉमोडिटी का वैल्यू फिक्स नहीं था कि वो एक रुपया बिकेगा या 500 रुपये। अगर मुझे चप्पल चाहिए, उसको ग्रेन चाहिए, तो मैं बोलूँगा एक चप्पल देगा तो मैं एक किलो में ग्रेन दूंगा। तो उसको 2 किलो चाहिए, उसको 2 चप्पल देना होगा। तो वैल्यू तो फिक्स था नहीं, तो वो अपने डिमांड के अनुसार वो वैल्यू फिक्स करते थे। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा कॉमोडिटी लेके कम कॉमोडिटी अपना एक्सचेंज करते थे। तो ये भी एक सिस्टम है, उसी को बोला गया डबल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम इन वाटर सिस्टम। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने मनी सिस्टम लाया। बहुत सारे कंट्री में अलग अलग टाइप के मनी चलते हैं। जैसे इंडिया में क्या बदलता है? रुपया। रुपये को इंडियन लोगों ने क्या किया? मनी माना, करेंसी माना है। ठीक है, तो इंडियन लोगों ने उसके लिए करेंसी के लिए भी एक लॉ बनाया है कि रुपये को हम लोग इंडियन करेंसी बोलेंगे, रुपये को हम लोग इंडियन करेंसी बोलेंगे। और ये ऑर्गेनाइज है, इसको पूरे देश में कोई मना नहीं कर सकता, इसको चलाएगा पूरे देश में, सब लोग ले सकते। कोई भी शॉपकीपर कोई भी ये रुपये लेके जाकर उसके जो भी इसका अमाउंट फिक्स होगा उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर 1 रुपया का नोट है तो उसको 1 रुपया के अमाउंट को सामान खरीद सकता है। ये नहीं कि बिहार में 1 रुपया को बंगाल में, तो ऑल ओवर इंडिया में इसको कॉन्स्टेंट फिक्स किया गया लॉ में। और अगर कोई लेने से मना करता है तो आप उसके लिए लीगल पे अपना सकते हैं, उससे
लीगल पे अपना के उससे उस पर केस वगैरह कर सकते हैं, उस पर भीग सकते हैं उससे। तो ये ना कि जाकर भीग जाएगा, नहीं लीगली भीगना है आपको, पुलिस को बोलना है, उस पर केस एफ आई आर दर्ज करा के उसको पुलिस को लाना कि ये नोट हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं ले रहे हो जी? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने इस पर प्रूफ किया कि ये लोग ये नोट पूरे इंडिया में चले। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, सिटी में एक का सिक्का नहीं चलता, एक के सिक्का लेके जाएगा तो आपको कोई सामान नहीं देगा, बट गवर्नमेंट ने इसको बंद नहीं किया है। गवर्नमेंट को भी रन करा ही है, एक का सिक्का, एक का जो पॉइंट है उसको रन बंद किया गवर्नमेंट ने, इसको रन करा रही है, बट ये लोग नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग उस पर लीगली कैसे कर सकते हैं, ये नहीं कि लीगली आप जाके भेज जाइएगा, लीगली है उसको हम उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर कंप्लेन लॉन्च करेंगे, तो उस पर कानून है हमारा, लॉज है जो कि हमारा बना है, ठीक है। तो आइए, मनी क्या होता है? एक करंट एक्सचेंज मीडियम, मनी है हमारा करंट एक्सचेंज मीडियम, जो आपके क्वाइन और बैंक नोट्स के फॉर्म में हम लोग एक्सचेंज करते हैं किसी भी गुड और सर्विसेज के थ्रू। तो मनी इसलिए आ गया कि बार्टर सिस्टम में हमें चाहिए, आपको ऑर्डर को तो रेंज चाहिए, अगर मनी रहता तो वो पैसे से खरीद सकता, तो इससे क्या होता, डिमांड डिपेंड नहीं करता, किसी को डिमांड या नीड हो उसके हिसाब से वो एक्सचेंज नहीं करेगा, पैसा आता है जब चाहे खरीद सकते हैं। पार्लर के पास पैसा होता तो कपड़ा खरीद सकता, कॉबलर के पास पैसा होता तो वो ग्रेन खरीद सकता, वो इंतजार नहीं करता कि जब उसको डिमांड होगा तब उसे एक्सचेंज करेंगे। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, और मनी के टाइप्स भी आ गए आपके, प्लास्टिक मनी, कॉइन मनी, बैंक नोट्स, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, तो ये सब आपके टाइप्स है। तो मनी एक तरह करंट एक्सचेंज मीडियम है जो कि कॉइन और बैंक नोट के थ्रू है, जिसके अगेंस्ट में गुड या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जिससे कोई सामान करे तो हम लोग मनी के अकॉर्डिंग उसको मनी देते, पैसा दे दिया उससे सामान खरीद दिया, एक्सचेंज कर लिया। सर्विस भी कोई खरीदना हो, जैसे कोई सर्विस कॉल सेंटर में हम लोग फोन करते हैं तो आपका फोन का चार्ज लगता है, अगर फ्री है तो नहीं लगता, अदरवाइज फ्री नहीं है तो आपको चार्ज देना होगा, 30% का कटता है। तो एक तरह के है सर्विस भी खरीदने में मनी की जरूरत पड़ती है। मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले कर रहा है डे टू डे लाइफ में, विदाउट मनी वी कांट इमेजिन योर लाइफ। तो आज के क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करेंसी, RBI, रोल ऑफ RBI और लोन और बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के क्लास यहीं पर खत्म करता हूँ।